सिरोंज में राशन दुकानों में घोटाले का मामला सामने आया है। यहां राशन विक्रेताओं ने सर्वर नहीं होने से ऑफलाइन राशन वितरण की जानकारी दी है, लेकिन जब मामले की जांच की तो हकीकत सामने आई। घोटाले के पूरे मामले को लेकर युवा कांग्रेस ने अनुभाग अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस ने बताया कि सिरोंज तहसील के ग्रामों में उचित मूल्य की दुकानें में हितग्राही के अनाज को ना ही हितग्राहियों को समय से दिया जा रहा है, गरीबों को मिलने वाला अनाज ब्लैक में बेचा जाता है। उक्त दुकानों पर लगभग 5000 कुंटल अनाज के बोरों का घोटाला है। बताया जा रहा है कि जब यह घोटाला हुआ तब गेहूं का भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास था, जो अब 2900 रुपए क्विंटल हो चुका है। सिरोंज से रिंकू सुमन की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने जो उचित मूल्य की दुकान उनके खिलाफ ज्ञापन दिया है। प्रारंभ में भी एक जांच गठित हुई थी, उनमें कम दो तीन चार दुकानदारों पर FIR खाना पूर्ति कर दी गई है। आप देखिए 93 पंचायत हैं, अगर आपने 5 पंचायतों की जांच की उनमें आपको 5-5 10-10 क्विंटलों की अगर हेरा फेरी दिखी है, ठीक है। आप देखना है जो चावल है वो बाजार में बिक्री करने आते हैं, आपकी हमेशा हर 1-2 महीने के अंदर ट्रक पकड़ा रहा है रोल पर चौराहे पर, खाना पूर्ति की जाती है, कितनी साठ गांठ चोरा है ये काम। जितने सेल्समैन हैं सभी राजनीति से प्रभावित हैं, खाना पूर्ति की जाती है, जांच की जाती है, जांच बस्ते में डाल दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। इस बार अगर कार्रवाई नहीं होती है तो युवा कांग्रेस रोड पर आने के लिए रुक तत्पर रहेगी। ये राशन की दुकानों पर जो अनाज वितरण में जो त्रुटियाँ पाई गई हैं, इनके द्वारा शिकायत की गई है, उसके संदर्भ में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन पर सभी दुकानों की जांच की कार्रवाई की जाएगी। जांच के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कई लोग कभी दोषी पाए गए, इसके ऊपर सेल्समैन को हटाया नहीं गया सर, क्या उन पर नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित है, FIR भी हुई है और आगे भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।